तुमसे कम।
Good morning, everyone. Good morning, Vita. Good morning. Good morning. Good morning. हाँ जी, क्या हो गया? ठंडी वाला मॉर्निंग. हाँ यार, ठंडी वंडी तो आ गई है सच में. तो फील हो रहा है कि अब ठंडी हो गई है. बाहर में अच्छा खासा कोहरा दिख रहा है. चलो ठंडी में असली मतलब वो ऑनलाइन का थोड़ा बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, घर में बैठे बैठे कम्बल में घुसे घुसे क्लास लो, सो मत जाना बस. ठीक है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. सुरुचि बोल रही है हम तो निकले ही नहीं है सुबह से. चलो ठीक है. ओके ओके चलो ठीक है. सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ रिएक्शंस अपन देख चुके थे. ऑक्सीडेशन तक हम बात कर लिए थे. ठीक है. सो अब अपन उसके आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं. ठीक है चल. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन पे बात कर लिया था और मैंने दो आपको काम भी दिया था. बोला था भैया टॉलरेंस और फेलिंग पढ़ के आइएगा. तो टॉलरेंस और फेलिंग उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे. सो अपन थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं टॉलरेंस और फेलिंग पे, फिर आगे कहानी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो हाँ जी. सो ये अपने पास है टॉलरेंस रिएजेंट. होता क्या है टॉलरेंस रिएजेंट? तो भैया देखो, टॉलरेंस रिएजेंट बस आपको इतना ध्यान रखना ये है क्या. सो भैया ये जो है ये चीज है. हाँ क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही बड़ा सा आ रहा है. चलो ठीक है, नहीं बस से काम चल. ठीक है. सो टॉलरेंस रिएजेंट है क्या? टॉलरेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या हो? देखो ये वाली जो चीज है अमोनिकल सिल्वर और यहाँ पे लगा हुआ NO3. ठीक है. सो दिस इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट. इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है. ये टॉलरेंस रिएजेंट है क्या? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट. करता क्या है ये बेसिकली? तो करता ये कि जब भी टॉलरेंस रिएजेंट आप लोगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लोगे, तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये करेगा क्या कि एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे बिल्कुल ये उसी तरीके का है जैसे कोल्ड KMnO4 काम करता था. वो क्या करता था कि भैया एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके वो बना देगा एसिड, लेकिन कीटोन को कुछ नहीं कर सकता. हॉट कर सकता था, कोल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, सेम कहानी इस भाई साहब का. ये क्या करेगा, ये जो ये CHO है इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा CWO. ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या ये है कि भैया ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. डन. दूसरी चीज कि यहाँ पे जो Ag है वो Ag प्लस के फॉर्म में है और यहाँ प्रोडक्ट में Ag मेटल मिल रहा है. मतलब ये खुद क्या हो रहा है? तो भैया ये खुद क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है. और ये जो एल्डिहाइड है ये क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है. अब देखो यहाँ पता कैसे चला, ये टेस्ट जैसे काम कैसे कर लेता है? तो उसका रीजन है ये खुद का सिल्वर मिलना. जैसे ये रिएक्ट करता है तो ये सिल्वर दे देता है, ये प्रोडक्ट में आपको सिल्वर मेटल मिलता है. और सिल्वर मेटल की वजह से देखो ये लिया था जो भी, मतलब ये अगर कीटोन लिया था, कीटोन में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला तो ये ऐसे वाला टाइप की चीज दिख रही है. बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज दिख रही है. लेकिन जैसे ये अगर आपने एल्डिहाइड लिया तो देखो उसके साइड साइड में क्या दिख रहा है. अगर ये साइड में गौर फरमाओगे तो साइड में दिख रहा है कि मिरर टाइप की कोई चीज बन गई है. मिरर टाइप की चीज बनने का मतलब क्या है? एक्चुअल में सिल्वर जो होता है वो मेटल है. और सिल्वर मेटल का क्या लगाते हैं? मिरर के पीछे लेयर्स भी लगाते हैं, अगर याद हो तो, उसमें शाइनिंग होती है. उस वजह से ये कहानी देखने को मिलती है भैया ये जो सिल्वर मेटल है वो साइड साइड से कलेक्ट हो जाता है और जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि भैया वहां पे कोई एक मिरर बन गया है. इसलिए हम इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट? क्योंकि बाद में जो सिल्वर मिला है वो एज अ मिरर साइड साइड में कलेक्ट हो जाता है और हमें लगता है कि वहां पर कोई मिरर लगा हुआ है. इसलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट. तो कभी ऐसा बोल दिया आपको कि भैया ये सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता है, मतलब एल्डिहाइड है वहां पे और कुछ नहीं हो सकता. इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है. सो भैया एल्डिहाइड यस, कीटोन नो.
इस चीज को हम बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना कि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता है या टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है, कीटोन्स नहीं दिखाते। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फेलिंग टेस्ट पे बात करते हैं। अब फेलिंग टेस्ट है क्या? तो देखो फेलिंग जो बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है, ये दो के मिलाने से बना हुआ है। ठीक है, लेखिका कुछ कहना चाहते, बोलो लेखिका क्या समस्या हो गया? अच्छा नोट कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक। चलो चलो ठीक है, फेलिंग रिएजेंट क्या चीज है? देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो फेलिंग जो है वो दो चीजों को मिला के बनाया फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए है क्या? सो दिस इज कॉपर सल्फेट, ए जो है वो कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट है, और बी जो है, ये बी जो है ये अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टेट है, जिसको रोचले सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट और अल्कलाइन रोचले सॉल्ट या अल्कलाइन सोडियम सोडियम पोटेशियम टार्टेट, इन दोनों का जो मिक्सचर है 50-50% पे जो बनता है, इक्वल अमाउंट, ध्यान रखना ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो जाके जो चीज बनती है, जो मिक्सचर रेडी होता है, उसको हम बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट। होता क्या है फेलिंग में, बिल्कुल वो भी वैसे काम करता है जैसे अपना सिल्वर काम किया करता था, बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ठीक है, होता क्या है कि कॉपर सल्फेट है, दैट इज सीयू प्लस टू, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ, CuSO4 मतलब Cu प्लस टू। ये Cu प्लस टू क्या करता है कि इस CHO को, ध्यान देना, ये जो CHO भाई साहब है, इनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्ट कर क्या करता है कि इसको ये ऑक्सीडाइज करता है, ये खुद हो जाता है रिड्यूस, ये हो जाता है रिड्यूस, और यहाँ CHO को कर देता है ये ऑक्सीडाइज, ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब ये प्लस टू से जो है ये प्लस वन में चला जाता है, रिड्यूस होकर प्लस टू से कहाँ जाता है, प्लस वन में जाता है, और प्लस वन में जाके जो ये Cu2O बनाता है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो बनाता है, इस ये जो बनता है, दैट इज अ रेड ब्राउन पीपीटी, ये एक प्रेसिपिटेट होता है रेड ब्राउन कलर का। सो अगर हमको रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिख गया तो हमको समझ में आ जाना चाहिए उसी टाइम कि भैया जो चीज आपने ली थी वो डेफिनेटली क्या रही होगी, एक एल्डिहाइड रही होगी। ठीक है, तो बस वही चीज है कि भैया ये एल्डिहाइड रहा होगा तभी ये कहानी हुई होगी। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ये दोनों चीजें, ये दोनों आपके पास जो पैराग्राफ से ही आपके एनसीईआरटी से आपको पढ़ के आने के लिए। ठीक है, सो मैंने, आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, तो उस पर डिस्कशन मैंने कर दिया कि भैया देखो क्या कहना चाहते हैं। बाकी याद रखना कि दोनों के दोनों होते क्या है और ये किसके लिए टेस्ट अपना दिखाते हैं। चलेगा, डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। ये आपका है, मतलब ऐसे कलर है कि भैया देखो किस केस में फेलिंग, किस, देखो फेलिंग में अगर आपको रेड रेड कलर का, रेड ब्राउन या रेड कलर की चीज दिख रही है तो बोलोगे भैया फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या है? ठीक है, देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसा है, ये एक टेस्ट भी है और रिएक्शन भी है, दोनों चीजें, टेस्ट भी है और रिएक्शन भी है। होता क्या है इस रिएक्शन में? So, होता ये है कि कभी भी आपको कहीं पे भी ये दोनों तरह के ग्रुप्स दिख जाएं। ये देखो जो मैंने गोला किया, ये दोनों गोला किया हुआ ग्रुप, ये ध्यान दो, ये देखो इस ये वाली चीज या ये वाली चीज, अगर आपको कहीं भी दिखे एग्जैक्टली यही वाली चीज, मतलब क्या है, एक कार्बन जिसपे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके बगल में CH3 है, एक कार्बन जिसपे OH है उसके बगल में CH3 है, इधर कुछ भी हमको इधर से मतलब नहीं है, हमको मतलब इस वाले ग्रुप से, ये वाला ग्रुप अगर हमको दिखता है तो, अगर इसको बोलते हैं मिथाइल की, तो दिस इज मिथाइल एल्कोहल, साइड में मिथाइल लगा हुआ है उसके लिए मिथाइल एल्कोहल, अपने को उतने में से मतलब नहीं है, मतलब सीधा है कि भैया ये वाला ग्रुप दिख रहा है। अगर ये वाला ग्रुप दिख रहा है और उसको अगर आपने OH- और X2 का मतलब हुआ Cl2 Br2 या I2, आयोडीन रहता तो हम इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और अगर कोई जनरल रहता है तो हम बोल लेते हैं उसको सिंपली हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म का मतलब क्या हुआ, Cl2 Br2 या ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। ठीक है, OH- और X2 के साथ अगर आपने रिएक्ट कराया, OH- का मतलब क्या हो सकता है, NaOH, KOH, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और X2 के साथ रिएक्शन कराओगे, सो होगा क्या, देखो इस वाले पे ध्यान दो, इसमें हमको दिख रहा है कि भैया इधर वाला जो कोई ये वाला पार्ट जो है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भैया ये सेम पार्ट है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। सो होगा क्या कि अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम सेम है, तो आपको करना ये है क्या कि इस वाले पार्ट में जो ये वाला ग्रुप है, ये जो CH3 लगा हुआ है यहाँ का है, जो या जो यहाँ पे जो CH3 लगा है, इस CH3 को आपको क्या करना है, तोड़ देना है। मतलब यहां से तोड़ दिया और CH3 को तोड़ के इस कार्बन को बना देना है आपको हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आयोडीन का बना तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन का बना तो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का तो फॉर्मूला आपने को पता है कि भैया क्लोरोफॉर्म चीज होती क्या है, ठीक है। सो ये वाला जो कार्बन है ये बन जाएगा CHX3, CHX3, अब क्लोरीन रहता तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो CHX3 बन गया, और जिस कार्बन को आपने तोड़ के हटाया हो उस जगह पे आपको ऑक्सीजन लगा देना, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव लगा देना। बेसिकली ये सॉल्ट बनता है इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगा दिया, अगर NaOH KOH से रिएक्ट कराता तो यहाँ पे Na और K भी लगा सकते थे। सो बेसिक फंडा यहाँ हुआ क्या, हुआ यहाँ ये कि एक कीटोन रिएक्ट करता है बेस और हेलोजन के साथ, और प्रोडक्ट में देता है एसिड और साथ में देता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब हुआ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कुछ भी। इंपॉर्टेंट बात, बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह का ग्रुप होना चाहिए, मतलब कीटोन है तो उसके बगल में CH3, या अल्कोहल है तो उसके बगल में भी एक CH3 होना कंपलसरी है। इसके अलावे कुछ दिमाग नहीं लगाना कि भैया इसके अलावे होगा नहीं होगा क्या होगा, हमको बस ये देखना है कि ये चीज है या नहीं है, काम खत्म। चलो अब ये तो कहानी हो गई थियरी वाली, कि भैया थियरी वाली चीज की होना क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब जरा सा रिएक्शन देखते हैं। सो अपने पास एक रिएक्शन दी हुई है, इसको ध्यान दो। पहली चीज कि भैया ये वाली जो मैं जो बना रहा हूं, मुझे ये बताना कि ये क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये चीज लिया, इसमें डाला है Cl2 और NaOH, बोलता क्या है जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बताओ, अगर रिएक्शन होगी तो, नहीं होगी तो सीधे बताओ कि भैया रिएक्शन नहीं होगी, काम खत्म। क्या इसमें रिएक्शन होगी, और अगर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट का नाम बताओ, ठीक है। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो यहां पे। अगर आपको ये ग्रुप कहीं दिख रहा है, अगर आपको इस तरह की चीज दिख रही है, सी डब्ल्यू बॉन्डेड हो उसके बगल में CH3, या COH उसके बगल में CH3, तो रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये कार्बन टूट के अलग हो जाएगा, और ये टूट के अलग होकर क्या बनाएगा, CHX3। बेसिकली Cl रहेगा तो CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। नाम ही इसका क्या है, हेलोफॉर्म। हेलो जाओ क्लोरो लगा दो तो क्लोरोफॉर्म। तो ये वाला कार्बन बनाएगा क्लोरोफॉर्म, और इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। चलो शुरू हो जाओ, ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, और होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो भैया बिल्कुल होगी रिएक्शन, कैसे, हमको दिख रहा है ये वाला ग्रुप, अच्छा ये वाला है, मतलब रिएक्शन तो होगी। रिएक्शन होगी तो भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चलो भैया फटाफट इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन। तो भैया इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमको दिख सकता है कि इसका प्रोडक्ट तो ये चीज बनेगा, C डबल बॉन्डेड O माइनस, और साथ में चूंकि Cl है तो CH, और साथ में ये हो जाएगा Cl3। अब चाहो तो यहाँ पे तुम सोडियम ये दिया हुआ तो यहाँ पे सोडियम भी लगा के लिख सकते हो, तो कोई मना नहीं है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी कॉल्ड सोडियम प्रोपानोएट, एंड दिस इज क्या है, क्लोरोफॉर्म। चलेगा, तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपानोएट और क्लोरोफॉर्म। चलो एक एग्जांपल तो मैंने करा दिया, अब अगला एग्जांपल। बोलता क्या है, ध्यान देना इस चीज को, ये चीज लिया है, इसमें डाला क्या है, देखो ध्यान दो इसमें क्या डाला है। पहला, सबसे पहले डाला है इसमें H+H2O, ठीक है। दूसरा स्टेप, ओ भाई कुछ ज्यादा छोटा, OH-I2। बोलता क्या है कि पहले तो प्रोडक्ट बताओ कि प्रोडक्ट क्या होगा, और दूसरी चीज है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे।
जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे आपको ये बताना है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। शुरू हो जाओ और फाइनल प्रोडक्ट में बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। मेरे को नहीं पता मार्कोव होगा कि एंटी मार्कोव होगा, 10,000 बार सिखाया है मैंने। एल्कोहल का प्रिपरेशन में बहुत बहुत क्वेश्चन कराए, दांत तोड़ दूंगा। मार्कोव होगा, एंटी मार्कोव होगा। करो फटाफट इसको और प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा प्रोडक्ट का नाम। आधी जनता तो पहले वाला रिएक्शन ही पता नहीं है हमको, तो याद ही नहीं होगा। याद नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते, सिंपल कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं याद रखोगे, ऐसे ऐसे बेसिक रिएक्शंस भी नहीं याद होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी चीज है यार, ठीक है। चलो, जिनको याद है अच्छी चीज है, जिनको नहीं याद है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर ये बेसिक वाले रिएक्शंस भी नहीं याद है तो भैया समस्या है फिर तो। एल्कीन में अगर H+H2 डाल रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है तो समस्या है। फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट तो रितु सही है, सेकंड स्टेप का बताओ क्या होगा प्रोडक्ट। आधी जनता हाथ खड़ी कर दी है, पता नहीं क्या होगा, हमको तो पता नहीं है, पढ़ाया नहीं गया हमको। चलो ठीक है, अगला रिएक्शन रैन तो नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ रुक जाओ। चलो प्रोडक्ट का नाम बताओ फटाफट, क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। जल्दी से बनाओ प्रोडक्ट, दो बनेंगे दोनों प्रोडक्ट का नाम बताओ फटाफट। ठीक है प्रत्युष हो गया, धन्य हो। क्या बनेगा प्रोडक्ट नहीं पता हमको तो। यहां से तोड़ो, ठीक है यहां से तोड़े, इस साइड में बनाओ सॉल्ट, इस साइड में बनाओ हेलो फॉर्म, ठीक है। चलो सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाली चीज। और साथ में ठीक है नाम क्या होगा दोनों का, इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और दिस इज आयोडोफॉर्म, ठीक है, सोडियम बेंजोएट एंड आयोडोफॉर्म, चलेगा। चलो नेक्स्ट,
बोलता गया है इसमें एक्वस केवेज डाला है, ध्यान रखना है इसमें क्या डाला है, एक्वस केवेज। बोलता है कुछ बना है प्रोडक्ट ए, इसको रिएक्ट कराने के बाद जो बना वो ए है। ए में क्या किया है फिर, Cl2OH- डाला है। बोलता क्या है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आपको ये पता करना है कि यहां पर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ए में अगर आपको Cl2OH- डालेगा तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस इतना बता दो, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस इतना बता दो, येस और नो में रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। एक्वस केवेज डाला, ए बना, ए में अगर Cl2OH- डाला है तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो कौन सी होगी, आपको सोच के रखना है ये चीज। और अभी तक दो आंसर आए हैं, बाकी जनता गायब है। एक्वस केवेज डालने से क्या होगा पहले ये बताओ, ए का नाम बताओ, तो ए का नाम क्या होगा, जो ए बनेगा ए का नाम बताओ पहले, ए क्या चीज बनेगा, ए का नाम बताओ, गुड प्रीति, रितु ठीक है, अभिषेक रंजन नाम बताइए, मिली ठीक है, मिली नंबरिंग करो कहां पे है आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, प्रत्युष नंबरिंग करो, हर्ष ठीक है, श्रेया ठीक है, भाई जब एक बात बताओ, कुंदन ठीक है, जब ये सबको दिख रहा है कि भैया ए जो होगा वो ये चीज होगी, यहाँ ओ एच लगा हुआ होगा, तो ये Cl2OH- का मतलब क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। अरे भाई लोग इसमें देखो तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या बताया था मैंने, देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, दिख रहा है कि ये या तो ये वाला और इस वाले में क्या डिफरेंस है, मुझे इतना बता दो, ये जो चीज लिए हो इसमें, इस वाले में ये वाली जो चीज है और इस वाली जो चीज है, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, डिफरेंस बता दो भैया, दोनों में डिफरेंस है, ये वाली चीज नहीं है इसमें, ये जो यहाँ पे बना है सी से लगा हुआ है उसके बगल में CH3, सी से लगा हुआ है उसके बगल में CH3 है कि नहीं है, है ना, जब इसमें है वो चीज, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाया कि नहीं दिखाएगा, अरे भैया दिखाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, कैसे दिखाएगा, जैसे ये वाली चीज की टोन दिखाती थी वैसे ये भी दिखाएगा, ठीक है, तो भैया इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, जरा गौर फरमाओ इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो क्या करना है अपने को भैया, तोड़ दो इसको, तोड़ के बाहर निकाल दो, इस वाले को तोड़ के बाहर निकालो और बाकी प्रोडक्ट बना दो, चलो भैया तो बनाते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा Co- और साथ में ये जो कार्बन बाहर निकला इसका CHCl3। कुछ खोपड़े में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये बता दो मेरे को, कि पार हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ, इसमें जादू हो गया है, कुछ गया है भेजे में, चलो अब इसका प्रोडक्ट बना लिए तो अब इसका भी बना ही सकते हो, इसका बना सकते हो, कैसे बनाओगे, H+ और H2O क्या करेगा भैया, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पहले तो ये देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट पहले स्टेप में क्या बनेगा, तो भैया पहले स्टेप में क्या होने वाला है, ये ऐसे 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 यहाँ पे लग जाएगा OH, मार्कोव निकोव एडिशन, हाइड्रेशन रिएक्शन अगर याद हो तो मार्कोव निकोव एडिशन, भैया यहाँ पे लगेगा H+, यहाँ पे लगेगा OH, तो यहाँ पे H+ यहाँ OH, काम खत्म। अब ये बताओ हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाया कि नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कार्बन जुड़ा OH, उसके बगल में CH3 है, मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, यहाँ से तोड़ो, इधर लगा लो अपना हैलोफॉर्म और इधर बना लो एसिड का सॉल्ट, काम खत्म। कुछ भेजे में गया कि पार कर गया ये बता दो मेरे को, लग तो नहीं रहा कि भेजे में गया, गया कुछ भेजे में, चलो देखा जाए क्या भेजे में गया, थोड़ा थोड़ा
बिल्कुल आसान सा रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसा अभी दिया था ऊपर वाला जस्ट वैसा ही, पहले रिएक्शन में OMDM कराया है, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या किया है, Cl2OH- ले लिया है, ठीक है, काम खत्म। फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना सकते हो आराम से, पहले OMDM करा के यहाँ पे OH लगाओ और फिर प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। चलो सो ये आसानी से कर सकते हो, अब इसमें मैं बता नहीं रहा क्या बनेगा, ये आप आराम से घर पे करते रहना, ठीक है। सो ये कहानी हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन से हमको क्या पता चला, तो भैया देखो क्या पता चलता है कि सी डबली बॉन्डेड ओ के बगल में CH3 ग्रुप है या COH के बगल में CH3 ग्रुप है, दोनों में से कुछ भी हो तो हम बता सकते हैं कि भैया वहां पे क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक है। कभी कभी इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में NaOH और X2 के बजाय ऐसे भी लिख के दे सकता है OX-, जैसे OCl- लिख के दे दिया, OCl- भी लिख के देगा तो काम आपका वही होगा, NaOH भी लिख के देगा तो भी आपका काम वही होगा। जब भी हेलोजन OH- से रिएक्ट करता है तो हाइपोहैलाइट बनाता है, तो NaOH लिख के दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, OX- लिख के दे, ये सेम चीज है, यही वाली चीज है, इसमें से Na को उड़ा दोगे Na+ को तो ये बन जाएगा OX-। तो भैया ये दे या ये लिख के दे, तीनों कहानी में आपको बिल्कुल सोच के रखना है कि भैया ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है। सो दिस विल बी द हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। चलो सो अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, आप आराम से इसको देखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, और जरा सा गौर फरमाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये आपका, ठीक है। देखो मैं हेल्प कर दे रहा हूं, बाकी आप इसको घर पे आराम से सॉल्व करना, ठीक है। देखो बोलता क्या है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है नहीं है, ठीक है, आगे आते हैं C8H8O। अच्छा ये चीज सोच के देखोगे तो ये तो बता सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन या तो क्या होने वाला है, किस तरह का होगा, कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। बोलता क्या है कि फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP रिएजेंट। अच्छा एक एक स्टेप करके चलते हैं, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये हो क्या सकता है, मुझे ये बता दो। कल ही मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, 2,4-DNP से कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट करता है 2,4-DNP से, गुड सोचिए, गुड, एक ने बस अभी तक सही आंसर दिया है 2,4-DNP से क्या रिएक्ट करता है, प्रत्युष आधा है, कसम खाली हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, कितना ही कोई बोल ले हम तो नहीं पढ़ेंगे, ना कुछ भी हो जाए हम नहीं पढ़ेंगे, हमको आप कैसे पढ़ा दीजिएगा, नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम पढ़ लें बेइज्जती हो जाएगी हमारी, सही बात है। अरे भाई यहाँ देखो गौर फरमाओ, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये कल चिल्ला चिल्ला के बताया 2,4-DNP किसका है, टेस्ट है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, हाँ मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी होगा तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्ट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में जो भी चीज होगी वो या तो एल्डिहाइड होगी या तो कीटोन होगी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता क्या होगा, हमको ये पता है या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ये एक तो क्लियर है, चलेगा। आगे आते हैं, बोलता क्या है कि द एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी रिएक्शन है ये भाई, कौन सी रिएक्शन है, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको दे रहा है व्हाइट, कौन सा प्रेसिपिटेट दे रहा है, कुछ तो प्रेसिपिटेट दे रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है। दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो कीटोन है, एक तो एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है, डन, और दूसरी चीज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो भी चीज हो उसमें पक्का ये तो होगा ही होगा, ये तो ये वाला चीज तो उसमें होगा ही होगा,
कोई भी कंपाउंड हो उसमें इतना पार्ट तो रहेगा रहेगा। यह OH क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बोल दिया 2,4-DNP दिखा रहा है, 2,4-DNP एल्कोहल तो दिखाता नहीं है, मतलब ये तो क्लियर था एल्डिहाइड या कीटोन। और जब ये बोल दिया कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो ये पार्ट रहेगा ही रहेगा। किसी को इन दो पोजिशन पे रोना गाना मचाना है तो अभी मचा लो भैया, हमको ये दोनों चीज समझ में नहीं आया कि 2,4-DNP और सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ के रिएक्शन से प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया पता नहीं चला। हाँ जी डन है, आगे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, बेटा अभी जस्ट देखो ना पिछला वाला स्लाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, NaOH जो बनता था ये क्या होता था अपने पास, ये OH माइनस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आयोडीन है, I2 है, यहाँ पे क्या है I2 है। कौन ये रिएक्शन दिखाएगा, तो या तो ये वाला ग्रुप होगा या ये वाला ग्रुप होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा तभी ये रिएक्शन आ रहा होगा। अब ये ग्रुप तो है नहीं क्योंकि ये 2,4-DNP दिखा चुका है, तो 2,4-DNP तो दो ही चीज दिखाते हैं, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, मतलब ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 2,4-DNP दिखाया, 2,4-DNP ये दिखा सकता है ये नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो दो चीजें तो क्लियर हो गई अपने को कि भैया एल्डिहाइड कीटोन तो है और उसमें ये वाला ग्रुप रहेगा रहेगा, डन है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि इट नीदर, ध्यान दो, इट्स नीदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फिलिंग। अच्छा टॉलेन और फिलिंग को रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब पक्का हो गया कि कौन है, कीटोन है, पक्का हो गया ना कीटोन है, एल्डिहाइड तो रिड्यूस कर ही देता, कीटोन है तभी तो रिड्यूस नहीं कर रहा है, काम खत्म, मतलब ये पक्का से कीटोन हो गया, चलो ठीक है। नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, इसका मतलब हुआ कि उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद करो हाइड्रोकार्बन का, डबल बॉन्ड होता है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता, अदरवाइज नहीं देता, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बी हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। अच्छा बोलता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व, कुछ नहीं है फर्जी सी कहानी है, बात ये है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, तो भैया हमको दिख रहा है ये कंपाउंड, ये चीज होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना लो, 8 लिया ना, 3, 4, 5 ठीक है। ब्रोमीन वाटर, अब देखो तो इसमें काउंट करो तो ये आ रहा है 8 आ जा रहा है, 8 आ रहा है कार्बन, 3, 3, 6, 2, 8 ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो तो हाइड्रोजन हो रहे हैं इसमें पूरे, गड़बड़ा रहा है इसमें हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन गड़बड़ा, क्या ले लिया मैंने यार, सॉरी ये क्या लेना है, C8 है ना तो ये ले लो, हो गया खेल खत्म, ठीक है। अब काउंट करके देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो भैया देखो काउंट करो यहाँ पे, चलो हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8 ठीक है, चलो हाइड्रोजन पूरे हैं अपने पास, ओके। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन कितना, 1 है, कार्बन कितने, 8 है, 6 रिंग में 7 और 8 काम खत्म, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई भैया इस कंपाउंड की, ठीक है। बोलता गया है कि भैया इसको क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या हुआ, भैया बेवकूफ बना रहा है, हाई ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा CWH, यहाँ पे बन जाएगा CWH, C7O6O2 बन जाएगा, जैसे इसको तोड़ोगे तो यहाँ लगा लो ये COOH लगा लो, काम खत्म। तो ये देखोगे तो ये क्या बन गया, ठीक है, इसको काउंट करोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि दिस इज C7H6O2 काम खत्म। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, हवा में सोचो कि हो जाए तो भैया संभव नहीं है, ठीक है। अब ये अभी बता रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, पता नहीं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कैसे हो गया, ठीक है, चल कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। क्या हो गया प्रत्युष बाबू, कहाँ है समस्या में आ गए, क्या दिक्कत हो गई बताइए, पैरा, अरे पैरा ऑर्थो कहाँ लगाया है यहाँ पे, पैरा ऑर्थो कहाँ आ रहा है, पैरा ऑर्थो का तो सवाल ही नहीं उठता, एक ही ग्रुप ग्रुप है, जहां मन तहां चिपका, पैरा ऑर्थो कैसे लगा दिया, पैरा ऑर्थो का मतलब कुछ नहीं बनता, एक है मेरा मन, जहां मन वहां लगाऊंगा, अरे उसको कुछ नहीं मिले भाई, तू बगल में लगा ले, क्या है फर्क पड़ना, तू ऐसे लगा ले, ले भाई
काहे दुखी हो रहा है, इसको कैसे भी लगाओ ना यार, क्या फर्क पड़ना, ले ऐसे बनाना चाहता है ऐसे बना ले, उससे क्या फर्क पड़ना, खुश ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां भी मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो, मेरा मन कर ऐसे देखूंगा तो, अरे एक ही है ना, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप को तुम जैसे मन वैसे लगाओ, उससे कोई समस्या थोड़ी होता है। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जहां मन वहां लगाओ, बात सेम ही, ठीक है, देखने में सुंदर लगता हो बात अलग है। हाँ सही बात है, हमको सुंदर चाहिए, चलो ठीक है, डन है। सो ये कहानी हो गई भैया, आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं याद रहेंगी तो समस्या है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये कुछ रिएक्शंस हैं, मैं इनको यहाँ से फिलहाल हटा दे रहा हूँ, आप आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है, रहेगा ही, फुर्सत में रहोगे ट्राई करना, अगर पढ़ने का मन करे तो, गलती से थोड़ा सोच के देखोगे तो पता चलेगा। ये कौन सी रिएक्शन है ZnHgCl, कौन सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन को कर सकते हो, पहले MgBr को रिएक्ट कराना फिर H3+, ये वाली कौन सी रिएक्शन देगी अपने को, ये वाला कीटल एसिटल वाली कहानी है, ठीक है, एल्कोहल विथ एल्डिहाइड एसिटल देगा, ठीक है, चलो ठीक है। सो ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, डाल दूं मैं वहां स्लाइड में, रहेगा रहेगा वहां से कर लेना, ठीक है, बाकी बोर्ड शोर्ड में तो बहुत कम ही आते हैं, ये थोड़े अच्छे रिएक्शंस हैं, फुर्सत में रहोगे टाइम मिले तो कर लेना। अब तो यही लगता है मेरे को बोलना पड़ेगा, भैया आप लोग बहुत बिजी लोग रहते हैं, पढ़ने का टाइम तो आपको मिलता नहीं होगा, सो फुर्सत में जब होइएगा आप लोग तो कर लीजिएगा। ये वाली रिएक्शन कौन सी है फटाफट बताओ तो, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर टू में रिएक्शन कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फटाफट बताओ, रिएक्शन कौन सी है और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, गुड, मिली मिली ने एक सही बताया, बाकी तो कोई आता पता ही नहीं है किसी दुनिया में किसी का क्या है, नहीं है हमको तो पता ही नहीं है, पढ़ाए कहा है, कौन सी रिएक्शन भाई, वुल्फ किस्नर, ध्यान दो, NH2 NH2, ठीक है, उसी चीज को ऊपर बस घुमा फिरा के लिख दिया। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम बता फटाफट, वुल्फ किस्नर में क्या होता था, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, हाँ ठीक है बोला था, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एल्केन, गुड अदिति, ठीक है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है चलो, एल्केन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है चलो आगे आते हैं। बोलता है कि बताइए इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या यूज किया गया होगा, इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज हुआ होगा, इससे ये प्रोडक्ट बनाना है, बताओ रिएजेंट क्या यूज किया गया होगा, अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अभी जस्ट इसको बनाए थे, जस्ट जो भी बनाए थे ना वो इससे अलग नहीं था, क्या रिएजेंट यूज करना पड़ेगा और रिएक्शन का नाम क्या होगा, देखो और फटाफट बताओ रिएक्शन का नाम क्या होगा और क्या रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, जल्दी से, वाह गजब, H+H2O, एक्सीलेंट, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, KOH I2 या OH-I2, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एक्वस KOH, बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के बोल रही है एक्वस KOH, ठीक है रिएक्शन का नाम क्या होगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, दिख रहा है ना, आयोडोफॉर्म बनाया, CH3 बनाया, दैट इज आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है और कुछ नहीं है, देखो ध्यान दो, ये वाली चीज को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, CH3 बनाकर यहाँ क्या लगा दिया, OH लगा दिया, कौन सी रिएक्शन है ये, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है चलो धन्यवाद। नेक्स्ट आते हैं
दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस चैप्टर का समझ लो कि वन ऑफ द कोर रिएक्शन है ये अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, गौर से देखना इस रिएक्शन को, क्या होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, इस रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो उसके एसिडिक हाइड्रोजन का रोल आता है। ठीक है, कैसे आता है देखो, ध्यान दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, देखो इस चीज को ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा पहले इधर बता रहा हूं, अल्फा पोजीशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के, पहले स्टेटमेंट सुन लो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मान लो ये अपने पास एक कंपाउंड है, ठीक है, बोलता क्या कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपको बताना है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हो गया, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा जो भी कार्बन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन जो होगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस विल बी अल्फा कार्बन, दिस विल बी अल्फा कार्बन, दिस विल बी बीटा कार्बन, दिस विल बी बीटा कार्बन। हमको बीटा से मतलब नहीं, हमको अल्फा से मतलब है। ठीक है, सो अपने पास अल्फा कार्बन ये है और ये है और इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो मेरे पास अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे, दो, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार। कोई ऐसा इसको अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन में समस्या है तो मेरे को बता दो कि भैया हमको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने नहीं आया। डन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो हम कर ही लेंगे, हमको यही सब करा लो। ठीक है, चलो, बोलता गया है कि भैया इस वाले कंपाउंड में कितने अल्फा कार्बन है आपको काउंट, कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपको काउंट करके बताने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस कंपाउंड में, वाह प्रत्युष, गजब बेटा, मेरे को भी जरा बताना कैसे आया तुम्हारा आंसर। रजिया वेरी गुड, मिली गुड, प्रत्युष वाह एक्सीलेंट प्रत्युष, जरा बताना कैसे आया बेटा। प्रीति वेरी गुड, लेखिका जरा बताइएगा बेटा कैसे आ गया आपका। आप सही कह, कितने हैं अल्फा का हाइड्रोजन भैया, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है और यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ जीरो है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो भैया टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तीन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस जगह पे, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलेगा। सो आपको अब करना क्या है, इस रिएक्शन को ध्यान दो, ये रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, इस रिएक्शन में जो भी चीजें ली है, मान लो इस एल्डिहाइड को ले लिया, इस कीटोन को ले लिया, ये दोनों ही दिखा सकता है, एल्डिहाइड भी ये चीज दिखा सकता है और कीटोन भी ये चीज दिखा सकता है, दोनों ही दिखा सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है कि कोई एक ही दिखाएगा। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन उस केस में होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन का होना एक कंपलसरी कंडीशन है। अब मान लो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, यहां लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, ठीक है, मान लो ये कीटोन लिया, इस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, तीन इधर भी है, तीन इधर भी है, मतलब ये क्या कर सकता है, एल्डोल दिखा सकता है। चलो अब एल्डोल दिखाएगा तो कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट बनाने थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, बाकी तो मैं समझा ही दूंगा प्रोडक्ट बनाने, बट पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, और इसका मैकेनिज्म बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं इसका मैकेनिज्म है क्या चीज। चलो भैया हमने ले लिया ये वाली चीज CH3CO CH3,
अगर ये चीज लिया और इसमें सिंपली कोई एक बेस डाल दिया, मान लो एनए बेस डाल दिया, ओएच माइनस लिख के दे दे या एनएच लिख के दे दे, नॉर्मली डाइल्यूट होता है, नॉर्मली डाइल्यूट होता है, ठीक है। होगा क्या होगा, ये कि भैया इस वाली चीज में से सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये जब OH माइनस आएगा तो OH माइनस करता क्या है कि यहां से एक H प्लस को खींच के बाहर निकाल लेगा, एक H प्लस को। तो मैं जरा इसको अलग तरीके से बना देता हूं, इसको लिखता हूं CH2 और इससे जुड़ा हुआ एक H है, ठीक है। ये OH माइनस इसको लपेट लेगा, ठीक है। जैसे इसको लपेटेगा तो ये क्या चीज बन जाएगा, OH माइनस जैसे इसको लपेटेगा तो ये H2O बन जाएगा, और ये वाली चीज बन क्या जाएगी, तो भैया आपको दिख रहा है कि ये बन जाएगी सी एच थ्री सी डबली बॉन्डेड ओ और ये सी एच टू के ऊपर एक माइनस, और ये एच टू ओ बन के यहां से बाहर हो चुका। कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना तो यही मचा लोगे, भैया हमको यहाँ रोना गाना मचाना, ये कैसे बना हमको उस भेजे में नहीं गया। कोई ऐसा जो जिसको रोना गाना मचाना तो यहां मचा लो कि हमको नहीं समझ में आया ये जादू हो गया। डन है। अब ये स्टेप होने के बाद, इस स्टेप होने के बाद ऋतु, ये नेगेटिव इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहां से ये हाइड्रोजन H प्लस को लेके निकला, H प्लस निकला होगा तो यहां माइनस छोड़ के गया होगा ना, इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। रजिया देखो ध्यान दो यहाँ पे, इस OH माइनस ने यहाँ से H प्लस विड्रॉ कर लिया। अरे ऐसे समझो ना, ये एसिड है, इस पूरे को Cl मान लो, पूरे को Cl मान लो, इसके साथ H जुड़ा हुआ, NaOH रिएक्ट किया, NaOH में OH माइनस H प्लस को लेके गया, तो ये क्या बचेगा, Cl माइनस बचता था तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पे इसके जगह क्या बच गया, माइनस बच गया, काम खत्म। डन है या नहीं है मुझे ये बता दो कि भैया इसमें अभी समस्या हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। डन है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, इस चीज को आपको ट्रीट करना है सिंपली एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल आपको इसको ट्रीट करना है आंख बंद करके। अगर न्यूक्लियोफाइल इसको ट्रीट करोगे तो याद करो कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन कैसे दिखाता था, याद करोगे, मान लो इसका रिएक्शन H2O के साथ होता था तो याद करोगे कि भैया OH जो आता था वो नीचे में लग जाता था, H जो आता था ऊपर में लग जाता था। सो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जाके नीचे में लग जाता था और H ऊपर में लग जाता था, ये रिएक्शन 10,000 बार कराया मैंने, ठीक है। तो अब बिल्कुल यही वाली रिएक्शन रिपीट होने वाली है, बिल्कुल यही वाली रिएक्शन होगा क्या कि ये वाला जो मॉलिक्यूल था, ऐसा एक और मॉलिक्यूल रहेगा वहां पर, ऐसा तो है नहीं कि डब्बे में सिर्फ एक ही ये था, बहुत सारे होंगे। सो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल जो है, ऐसा ही मान लो एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3COCH3, एक और मॉलिक्यूल है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये भाई साहब जाएंगे और इसके नीचे में अटैक कर देंगे और ऊपर में क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। OH कैसे बन जाएगा, यहाँ का H प्लस ये वापस ले लेगा, यहाँ जो H प्लस इसने डोनेट कर दिया था इसको वापस ये खींच लेगा। सो बेसिकली अपने को बस सिंपल ये ध्यान रखना है कि जैसे ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा सो हमको क्या दिखेगा, CH3COH CH3, और नीचे में क्या लगा रहेगा, तो नीचे में लगा रहेगा CH3COCH2। हुआ क्या, सबसे पहली चीज क्या हुआ, इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, OH माइनस यहां से H प्लस को निकाला, ये एक न्यूक्लियोफाइल बनाया। अब न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद सिंपली पुराना जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, वही NAR रिपीट हुआ, HCN रिएक्ट करता था, CN नीचे में H ऊपर में, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये चला गया नीचे में और ऊपर में जो O माइनस बचा उसके पास आ गया H। हम यही पढ़ते थे HCN में भी, KCN में भी, हम MgBrCl में भी, किसी में भी, हम सब में यही रिएक्शन पढ़ते थे। So, वही कहानी हुई कि भैया ये वाली चीज जो है ये नीचे में लग गई और ऊपर में बन गया OH माइनस। ऐसे हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ऐसे चाहो तो यहाँ दो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं है। अब ये जो बना है, दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट, अल्डोल इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। अल्डोल इस कहां पे, सी एच थ्री कैसे आया, ऋतु और ऋतु हैंडरेश करो तो बेटा, हैंडरेश कर बोलो कहां पे सी एच थ्री कैसे आया, बोल रही है सर जो आप NAR लिखे उसके बाद में, सर यहाँ पे CH2 माइनस है ना, ये CH2 माइनस है, ठीक है।
हाँ सर, उसके बाद में CH3 कैसे हुआ? इस जगह पे बोल रहे हो यस सर। बेटा? ये वाला एक देखो, ये दो मॉलिक्यूल लिया ना, तो एक मॉलिक्यूल देखो, इसका एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, ये रिएक्ट करके ये बन गया, और इसका जो दूसरा वाला ब्लू वाला मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इसके दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल जो ये बन गया और एक मॉलिक्यूल ये वाला। अब ये जो बना है, ये पुराने एक दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है, ऐसे समझो। इसके दो पार्ट, मतलब ये जो चीज है ना, ये दो है, ठीक है? एक जो ग्रीन वाला में रिएक्शन में जा रहा है, और एक ये जो ब्लू वाले में आ रहा है, ठीक है? मैंने इसको सिंपली यहां कॉपी करके लिख दिया है। रितु, यस आगे समझ में। इसको मैंने बस सिंपली यहां कॉपी करके लिख दिया है, ठीक है? अब देखो, जैसे दो मॉलिक्यूल जो था, एक मॉलिक्यूल ये जो ग्रीन वाला बन गया, और एक ब्लू वाला, ग्रीन वाले ने ब्लू वाले पे अटैक कर दिया, ये वाली चीज देखने को मिल गई। दिस इज नोन एज अल्डोल प्रोडक्ट। यही है अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डोल क्यों बोलते हैं? देखो, एक तरफ ये एल्डिहाइडिक वाली चीज भी, अब ऐसा नहीं है कीटोन, मतलब ये है बेसिकली कीटोन, बट एल्डिहाइड से ये बन गया, शुरू से ही इसको एल्डोल नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड से इसको रिलेट कर दिया गया, ठीक है? सो ये एल्डिहाइड की वजह से, ये देखो, ये कीटोन या एल्डिहाइड की वजह से अल हो गया, और ये ओएच की वजह से ओल हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? सो दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट। हुआ क्या बेसिकली, पहले यहां से एच प्लस निकला और बाद में ये चीज बनी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आपने इसको हीट कर दिया, तो ये कंडेंसेशन दिखा देगा, और कंडेंसेशन कैसे दिखाएगा? तो देखो, यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। फायदा क्या है? ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, इसीलिए रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाती है। सो देखो भैया, ये फाइनल जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसका रिएक्ट, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अगले क्लास में जब आओगे तो भैया इसको रट्टा मार के आना कि हाँ ये कैसे बना हुआ है CH3, और ये रहा CH3, ठीक है? ठीक है, चलो ब्लू से इसको बनाता हूँ, ऊपर वाले को। So, ये आपको मिल गया अल्डोल का कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है? So, ये आपकी पूरी कहानी है अल्डोल रिएक्शन की, कैसे होता है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी इसका मैकेनिज्म लिख लिख के 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में पूछ लेना, लेकिन इसका मैकेनिज्म याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैकेनिज्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है बोर्ड्स में, ठीक है? चलो ठीक है, तो फिलहाल की क्लास को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में फिर इसका आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, जो कि आप कभी पढ़ के आते नहीं, थोड़ा पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। अरे ठीक है, चलता है। चलो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे, फिर आई कहानी डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।